दोस्तों कैसे आप लोगों को आप लोग अपना आज की दिनचर्या शुरू करते हैं। दिनचर्या के दोपहर चर्या हो गया है, दोपहर हो गया, उससे बस प्लाग नहीं चालू किया था। ये देखिए इसमें यार मैं दिख रहा हूँ ना, अच्छा खासा सा। और आपको आज का हम मौसम दिखाते हैं अम्बासा मोटर स्टैंड का। यहाँ पर देखिए गाड़ियों का अम्बार लगा हुआ रहता है, हमेशा लगा रहता है भाई, कोई नई बात नहीं। आप नीचे भी यहाँ से देख सकते हैं, ये दारू की दुकान है, ये जो मैं जहाँ पर हूँ, मैं जहाँ ये इसी के नीचे जस्ट बियर की। और वो देखिए वो उस अभी मैं मैजिक का जादू दिखाता हूँ। ये पोस्टर दिख रहा है ना, ये जो वाइट कलर का नहीं पहना बनता, तब से हमें देखा जा रहा है। और LCD देखो कुछ तो चल रहा है, LED लिखा हुआ है, ये दिख रहा है LED। और उसके बाद जो आप पढ़ सकते हैं हम नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये रहा इनका, अच्छा समरसेबल का भी ये लगता है ना, क्या है? अच्छा यार वो हो, मैं सोचा इतना ज़्यादा हेवी क्यों लगा हुआ है। ऊपर यहाँ से गया है टावर के लिए, तो इसलिए। और ये बगल में हमें लगता है एक साथ जुड़वा करके अलगा हो गया है, इसलिए सीढ़ी बगल से है, इतने दूर में सीढ़ी है उसके बाद है। और हाँ हम भी अपना भी तो चेहरा दिखाएं। ये पानी वाला यार मैं अभी तक नहीं लग रहा है, आपकी बात नहीं लगा रहा है, उनसे कहना पड़ेगा मैं कहाँ हुए हूँ। दरवाजे खोलते हैं, रूम में गए, आप भी आ सकते हैं, आप सभी इनवाइटेड हैं। हवा तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन थोड़ा उधर कुछ बन रहा ना बगल में तो गंद आती है, इस वजह से हम इसे कर देते हैं बंद। बंद कर दिए, काम चालू अपना हो गया। ये यहाँ पर है, यहाँ पर एक दुकान पर ही मिलता है पार्ले जी बिस्किट, तो पार्ले जी माय फेवरेट बिस्किट। और ये मैं इधर करना चाहिए, चलिए ठीक है, शाम को फिर मिलते हैं, अभी तो दोपहर हो रहा है। इवनिंग दोस्तों, इवनिंग हो रही है। ये देखिए सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इसका सब्सक्रिप्शन मतलब लॉग इन करना पड़ेगा हमें, देखते हैं कुछ इसका आर्टिस्टा चलाने जा रहे थे। शाम हो गए, जब बज रहे हैं 21 यानी कि 9:30 हो रहे हैं, तब सोच रहे हैं कार थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा देखी कि बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया कोई भी चीज़ वीडियो देखा हुआ या कुछ भी देखा हो, हाँ सोच रहे देख लें, देखना चाहिए थोड़ा नई चीज़ उपचार होती है ना, ये सब चल रहा है। और आप अपना बताइए, सब मस्त चल रहा है ना, कट रहे हैं क्योंकि मस्त कटनी चाहिए भाई। चलिए ठीक है भाई, मिलते हैं मैं ब्लॉग के साथ, फिर बाबा टिक जाएंगे दोस्तों। दोस्तों देखो अभी शाम कितने हुए हैं, 5:40 हो रहे हैं। और यहाँ पर बस उस मतलब अब कहीं अगर यहाँ से जाना चाहेंगे ना, तो इधर आप कहीं नहीं पास जा पाएंगे, क्योंकि उधर लगती गांडा चिरा की, उधर नहीं जा पाएंगे। और दूर इधर अब नहीं जाएगा, इस साइड के जो अंदर का इलाका उसमें नहीं जाएगा, ये कमलपुर जाता है, यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और शाम तक आप देखेंगे तब भी मिलती रहेगी, ये देखो बिलबोर्ड चल रहा है। और ये समझे, ये यहाँ का सिस्टम है, इसे करना है आज हैं तो लगा देंगे पानी वाला, ये हमारे में से ये निकाल के रखें तब से खराब ही हो गया है समझो, इसका पानी कौन पिएगा भाई, यही ना चलते हैं नया लगाएंगे हो जाएगा सही। और सब मस्त भाई, मस्त चल रहा है। यहाँ पे देखो ये झाड़ू बनती है, जो झाड़ू बना रहे हैं। और हाँ यहाँ पर एक बार हम गए थे ना, बोल खाली स्कूल बहुत अंदर है रायसा भरी, तो वहाँ पर वो महिला थी, वो सामने ही साल साल या कुछ बना रहे थे, बड़ा कंबल टाइप का और जो धागे का फटाफट बना रहे, बहुत तेज बना रहे थे भाई, मशीन से नहीं लेकिन हाथ से बना रहे थे, जिसे हैंड मेड कहते हैं, हैंडलूम कहते हैं ये सब चीज़ें। चलिए ठीक है, चलते हैं थोड़ा कुछ बाहर चलते हैं, कुछ खाने का सामान लेकर के आते हैं भाई, भूख लग रहा है यार, उससे अच्छा तो इसमें दिख रहा है। चलिए ठीक है।
तो दोस्तों शाम हो गई और हम देख रहे हैं सीआईडी सीआईडी कैसी होते ना। ये देखिए यहाँ पर पानी और सारी चीज़ें रखी हुई, खाना खा लिया, अब थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिया, ये रहे सब कुछ, बर्गर के सोता हूँ यार। ये देखो रहे, आज का जो भी काम था डन हो गया है, कल थोड़ा भाग दौड़ वाला काम है तो बताएंगे कल कौन सा काम है, क्या काम है, कैसे काम है। हाँ तो नॉर्मल ही चला, तो उसमें ज़्यादा बताने वाली कोई चीज़ है भी नहीं, और क्या बताएं आपको हम, आप सब जानते हो। लेकिन हाँ आज मैं एक वीडियो ध्रुव राठी डाला था, मैं पहले उसको हेट कर रहा था यार, वो ऐसे ही पढ़ा मतलब बताता होगा, लेकिन फिर मतलब इसके पहले भी कोई वीडियो शायद डाला था, तो मैंने कहा यार अपोजिशन वाले ऐसे ही उसकी वीडियो प्रमोट कर रहे होंगे क्योंकि वो इस समय इस सरकार के खिलाफ। फिर हमने भी कुछ न्यूज आर्टिकल देखी इधर उधर से, तो पता चला हाँ बंदा तो सही, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, गड़बड़ है यार। ऐसे नहीं किसी को कोई फंड बन जाता है, और जो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस जिसका हो वो सबसे कम टैक्स देता है, टैक्स कम देता है, और इम्प्लॉय जो इम्प्लॉय वर्कर हैं वो बहुत कम वर्कर हैं, 26,000 शायद वर्कर हैं कंपनी, पूरी कंपनी में उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाटा देता है, टाटा और एनपीसी इस तरह से बहुत सारे हैं जो काम देते हैं, लेकिन टाटा प्राइवेट सेक्टर में टाटा ग्रुप, ये हमारे रतन टाटा सर भारत किसान है। तो यही सब, यहाँ जागृत रहो ना, कोई कहीं पर भी रहो जागृत रहो, थोड़ा अवेयर रहो, बस यही। किसी भी पार्टी का ऐसे ऐसे समर्थन ना करो कि ऐसे जैसे हमारे पूर्वज जमीन दे देते हैं बस ये जमीन हमारी है, उस तरह से नहीं, हर एक चीज़ को आके अपना विजन खोल करके तब सपोर्ट करो। किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं आप, मैं नहीं कहता किसी एक पार्टी को सपोर्ट करो, जो आपके लिए अच्छा कर रही है उसका सपोर्ट करो, लेकिन हाँ सिर्फ आपके लिए अच्छा कर रही है नहीं, आपके आने वाले बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए भी अच्छी करे वही, ये नहीं कि किसी एक पर्पस चीज़ को प्रमोट कर रही तो नहीं है। ये रही हमारी राय, आप अपना बता दीजिएगा, तो नहीं ब्लॉग दे तो तकली बाबा टिक के लिए बता दीजिए, इसलिए क्योंकि ब्लॉग छोटा हो जाता ना तो कि थोड़ा सा लंबा हो गया भाई, सीरियस ना ले यार, बाबा टिक के जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।